लोग सबको स्वागत है मेरे चैनल रेडो गेम पर। आज हम खेलने वाले हैं आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड, ये है एपिसोड नंबर 25। उसके अंदर हम टेम करने वाले हैं रैप्टर को, क्योंकि मुझे रैप्टर टेम करना है, क्योंकि मुझे उसका एग चाहिए। और एग इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे वुल्फ को चाहिए यार, वुल्फ खाने के लिए मांग रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक वुल्फ की ब्रीडिंग कराई थी, उससे हमें एक बच्चा पैदा हुआ है। उस अब उसको अंडा चाहिए। अब क्या करें, डिमांड है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। ये बच्चा अब दूसरे का अंडे मांग रहा है, मतलब अभी से ऐसी डिमांड है, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। आगे फिर आगे चल के दूसरों के बच्चे मांगे, मतलब बच्चे खाने के लिए मांगेगा। भाई ये कैसा है बच्चा, है क्या शैतान पैदा हुआ है, पता नहीं क्या भाई, ये क्या पनौती पैदा हो गई है। वैसे मेरे एरिया की साइड काफ़ी ज़्यादा रैप्टर्स दिख जाते हैं, मतलब आए दिन हमले होते ही रहते हैं। अब ढूंढ रहा हूँ तो मिल नहीं रहे, मतलब यही आर्क की चिलगोजी मुझे बेकार लगती है। मतलब जब रैप्टर की जरूरत होती है ना भाई, ऐसी जगह जाकर छुप जाते हैं कि मतलब ढूंढने से भी नहीं ढूंढ लेंगे। अगर मैं पाताल में भी चला जाऊँ ना, वहाँ भी आके नहीं मिलेंगे मुझे। अभी फिलहाल के लिए तो आर्क वालों ने सुन लिया है, हमें दो रैप्टर पकड़ा दिए हैं, जिनमें से एक 85 लेवल का मेल है और 104 लेवल की मेरे ख्याल से फीमेल है। तो हम फीमेल ही चाहिए, हमें फीमेल ही अंडे देती है, तो हम फीमेल के हम किडनैपिंग करने। अरे यार यहाँ लैंडिंग, अभी पहले तो मुझे कीड़े परेशान कर रहे हैं, पहले इनसे छुटकारा पाऊँ मैं। तो देखो गाइस, अभी मेरा एक प्लान है, मैं फीमेल वाले को थोड़ा सा आगे की तरफ ले आया हूँ। कीड़ों को तो मैंने मार दिया वहाँ पे, तो देखो बगल में यहाँ पे एक मेल भी लड़ रहा है, तो मैं फिलहाल फीमेल को थोड़ा सा और दूर ले जा रहा हूँ, मतलब मुझे परेशान ना करें मेल, क्योंकि दिक्कत होगी। रैप्टर तो मैं पता ही है किससे खतरनाक होते हैं, अगर क्लोज रेंज में चले गए तो भाई दबोच लेंगे, गुद्दी उखाड़ के फेंक देते हैं खेतों में। लो भाई दबोच लिए मेरे को, मतलब यार रैप्टर उसके ऊपर बैठा था मैं, भाई छोड़ मुझे। अभी मेरे कपड़े फाड़ दिए भाई इसने, छोड़। वो फाइनली भाई चलो चलो चलो, पेट्रोल रन का है मेरा, पेट्रोल रन कहाँ पीछे रह गया क्या? अरे नहीं, पहले इसको बोला मानो, रुक जा बोला निकालता, रुक जा बोला निकालने, घुमान दे। और ये एक मारा हमने, वो फाइनली लग गया अपना, एक लग गया इसको, एरो मारो। अबे यार एरो ट्रैंक, एरो स्विच करो जल्दी से, निकलना जा यार, बस निकलना नहीं चाहिए। मैं रेडी को पैनिक मत, बस हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा। वो उसमें बिजी है, उसको मारने में बिजी, तू जल्दी से बस। टीम एक और मैं मार दे रहा हूँ पहले से ही अपनी सेफ्टी के लिए। ओके मैंने मार दिया है, अब पक्का नहीं निकलेगा मेरे पे। उन 13 ट्रैंक एरोज हैं, होना चाहिए इसमें अनकॉन्शियस, अगर नहीं हुआ तो दिक्कत आ जाएगी मुझे। नहीं ट्रैंक में नार्कोटिक्स एक्स्ट्रा लाया हूँ, पर देखते हैं, सारी चीज़ मैं एक्स्ट्रा लाया हूँ, बस होना चाहिए। अबे यार ये कीड़े और परेशान कर रहे हैं मुझे। ओ नो शिट, ये क्या चीज़ हो गई भाई, ये क्या हो गया गलत। अबे यार ये टूट गया मेरा क्रॉस वे, टूट गया, मैं क्या करूँ? पहले इसको स्टॉप करूँ है कहीं। अबे यार नहीं, ये गया, मिस हो गया। अबे यार दबोच लिया, मेरी पैंट फाड़ दी। हेलो, मेरा कच्चा फाड़ने वाला ये। ओ भागो भाई, हेल्थ गई गाइस, मेरी नोटिस करो हेल्थ। ओ भाई, अब मैं करूँ क्या? मैं मार तो नहीं सकता, तलवार निकाल के मारूँ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मारना नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से मिला है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। शिट मैं क्या करूँ, मैं पैट। अरे यार शिट यार, मैं इतना पैनिक हो गया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ यार। कोई नहीं, आराम से, शांति से, एकदम शांति से हम जाएंगे, प्यार से हम रैप्टर से टेम कर लेंगे। कोई नहीं, शांति का काम एकदम भगवान का होता है ना, शांति से करेंगे, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अबे मेरी स्मूथिंग बार में भाई, जल्दी चलो भाई। मैं नहीं भाई, मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इसको सैबरटूथ को लेके चल रहे हैं भाई। स्मूथिंग बार पड़ी है मेरी स्मूथ में भाई, जैसे तैसे मिलती है स्मूथिंग बार, पता नहीं कितने चक्कर काटे थे मैंने केप के। भाई जल्दी चलो भाई, शांति बिल्कुल नहीं चलेगी भाई, जल्दी चलो जल्दी। ओके गाइस, मैं क्राइम सीन पर आ चुका हूँ, यहीं मेरा मर्डर किया गया था डाल के, तो फिलहाल इधर ही कहीं, अच्छा ऊपर साइड है, मुझे लगा इधर साइड है। यहाँ पे क्राइम सीन पे मेरा मर्डर किया गया था, तो फिलहाल के लिए वो रहा रैप्टर, देखो वहीं खड़ा है कंजूस कहीं का। देखो आ रहा है, पहले भागो यहाँ से, भागो, वो दबोच सकता है मुझे या फिर मेरा सबूत उसे मार भी सकता है, इसलिए पहले मुझे इससे पीछे छुड़ाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ जा रहा हूँ। अरे भाई चढ़ जा, वो क्या लगता है चला गया, वो किसी और के पीछे चला गया, बढ़िया है। जल्दी से अपनी लूट ले लूँ जाके मैं पहले। गाइस लूट लेने से पहले मैं अपने पैटर्न रन को चेक कर लूँ, कहीं कोई इससे मार पार ना दे। तो पहले मैंने अपने सैबरटूथ को यहीं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि वो अटैक पे है, तो वो आराम से किसी की भी लगा सकता है। और हम अपने पैटर्न रन को ले ले रहे हैं, इससे इजी होगा टेम करना। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी पहले लूट ले ले रहा हूँ। फाइनली यार भाई, मेरी स्मूथिंग बॉम, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, कितनी खास चीज़ें हैं। और अब यार रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मुझे क्रॉसबो रिपेयर करके आना पड़ेगा पहले तो। पहले हम अपनी रैप्टर की लोकेशन चेक कर लें किधर है, फिर उसी जगह पे हम सीधे आएंगे। अबे यार ये बिमल पान मसाला वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके फिलहाल मैंने यहीं आसपास देखा था, वो देखो सामने जा रहा रैप्टर। गाइस देखो सामने वो जा रहा, किसी के पीछे लगा पड़ा है। कोई नहीं, हम इसी जगह पे आ जाएंगे, बस जगह याद रखनी है हमें, आसपास और देख लेंगे बाई चांस, इधर से आसपास जा सकता है किसी को मारते मारते। तो पहले अपने पैटर्न के पास चलते हैं, वो यहीं कहीं खड़ा होगा आगे कहीं। अभी कहाँ खड़ा कर दिया मैंने उसे। ओके फिलहाल मैंने सारी चीज़ रिपेयरिंग के लिए लगा दी हैं, बस रिपेयर हो जाए, सो ही हम चल रहे हैं। गाइस सारी चीज़ रिपेयर हो गई है पेंट को छोड़कर,
पैंट की अपनी लगी पड़ी है भाई। अब मैं हाइट भी नहीं है उसको, मैं अगर ठीक भी कर सकूँ तो ऐसे ही चल रहे हैं हम। हमने रैप्टर को ढूंढ लिया है फिर से भाई। 130 लेवल का फीमेल, मैं बताना भूल गया था, उसके 4 बोल दिए थे गलती से मैंने। तो पहले तो उसकी लगाते हैं, पहले ये किसी और को मारने में बिजी है तो पहले इसको मारने, तो उसके बाद सीधे इसको हम बोला करके सीधे इसको मारना शुरू कर देंगे। और हाँ, मैं अपने पैटर्न को पैसे से हटाऊँ, फालतू में कोई पेल पाल के चला जाएगा। वैसे ही एक पैटर्न है भाई, इसको भी टीम करना है, इसका पार्टनर पार्टनर लाना है, इनकी ब्रीडिंग करके प्रजाति बढ़ानी है। पहले तो इसको आ रहा है रैप्टर से, आ जा भाई, आ जा आ जा, आया तेरी गुद्दी दबा के ना मारूँ तुझे मैं। ओके, अपना लग चुका है भाई, इसको अब ट्राइंग करो उससे दबा दबा एरो मारने हैं और ये भाई टेम हो जाएगा। अबे यार ये क्या बिमल पान मसाला भाई, पूरा व्यू ब्लॉक कर दिया भाई, इतनी अच्छी जगह पे भाई, इसको मैंने अच्छा कह सकता है। मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने पैटर्न के पास पहले तो भाई, मेरा पूरा व्यू ख़राब कर दिया, अब टाइम वेस्ट हो गया अपना। देखते हैं इसको भी मारें भाई, ये न्यूट्रन में डाल रखा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा से भाई। इसको मारो पहले ये, इसको मतलब ये एडवर्टाइजमेंट करने भाई आ ही जाएंगे, मतलब भाई तुम्हें दिक्कत क्या है, मेरे किसी ना किसी काम में रुकावट तुम बन ही रहे हो। पहले अब रैप्टर कहाँ है, वो निकल गया, वो देखो आजाद परिंदा बन गया घूम रहा है। तो देखो यार अभी रैप्टर किसी से फाइट में बिजी है, तो मौके का मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये कछुए से अभी बिजी है, तो मैं इसको इसको हुक करने वाला हूँ अभी। तो उसको मैंने कर दिया है बोला, और अब मैं इसमें एरो मारने वाला हूँ, इसको अनकॉन्शियस करके तुरंत मैं टर्टल को ख़त्म कर दूंगा, जिससे मेरे दोनों काम बन जाएंगे। तो पहले जल्दी से इसको अनकॉन्शियस करते हैं, यस ये अनकॉन्शियस होने वाला है, अब ये भाग रहा है गारंटी से, इसलिए ये मार नहीं जा, और होने वाला है कुछ ही देर में होने वाला है। ओके, पता नहीं कितने एरो लगा, और हो भी गया। अब जल्दी से पहले मैं कार्बोनोसोरस को मारूं। ओके, इसका भी खेल ख़त्म करना पड़ेगा भाई, अपनी तलवार बहुत तगड़ी वाली है, ख़त्म कर दी एकदम, गर्दन काट के फेंक दी। ओके, हमने इसको भी मार दिया है, अब जल्दी से उसको अंदर फूड डालते हैं। अबे यार मेरे पे फूड ही नहीं है स्मूथिंग बार में, पर फूड है यार, ये पड़ा है भाई, इतना बड़ा फूड पड़ा तो है, ये किस लिए? ओके, मेरे ख्याल से इतना इनफ होने चाहिए, बट है कितने मेरे पे अभी फिलहाल वो चेक करना पड़ेगा। ओके, 16 मीट है, इतने ज़्यादा ही मेरे ख्याल से ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पे स्मूथिंग बाम भी पड़ी है। पहले मैं ये लगा दूँ स्मूथिंग बाम, मेरे ख्याल से 5-6 ही लेगा, जिससे ज़्यादा नहीं लेने वाला। पहले देखते हैं एक बाइट में कितनी ये होता है, कितनी परसेंटेज होता है ये। ओके गाइस, ये फाइनली एक बाइट लेने वाला है, अब चेक करते हैं एक बाइट में ये कितना परसेंटेज बढ़ता है, तो उसी हिसाब से फिर हमें टाइम उतना ही लगेगा ना। तो फिलहाल एक बाइट में कितनी परसेंट, ओ 27% बढ़ता है एक बाइट में। अभी यार इसको क्या दिक्कत है? ओके, 27% हुआ है, तो मतलब इसको टोटल बाइट मेरे ख्याल से 4 या 5 लेगा, 4 में हो जाएगा मेरे ख्याल से, शायद शायद 5 भी ले सकता है, पता नहीं है, मैंने परसेंट के हिसाब से लगाया है। गाइज, मैंने अभी रैप्टर की हेल्थ अभी फिलहाल ही नोटिस करी, देखो 800 में से 36 बची, मतलब अपने आप को लेवल जो आप मिलने वाला था अब हमें नहीं मिलेगा, बहुत ही कम लेवल आप मिलेगा, क्या करना, इतनी फूटी किस्मत है अपनी। फिलहाल के लिए तो ये होने वाला, और ये हो गया भाई, 152 लेवल मिला है 130 से। अबे यार 200 लेवल से ऊपर तक जाता ही अगर ये इसकी हेल्थ नहीं जाती तो। कोई नहीं, चलो अब इसको अपने बेस पर ले चल रहे हैं। ओके गाइस, हमने रैप्टर को शेडल पहना दी है, और मतलब जो काम के लिए हम लाए थे, बट अब वो काम तो हुआ नहीं है भाई, अंडा चाहिए मुझे रैप्टर का भाई, उसको ज़रूरत है इम्प्रिंटिंग करने के लिए मुझे, तो फिलहाल अंडा दे भाई जल्दी के भाई, यह पता नहीं कितनी देर में देगा। तो चलो यार, आज की वीडियो में सब यही था, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय। ए रैप्टर, मुझे मेरा अंडा दे दो भाई, उस चीज़ के लिए टीम किया वो चीज़ दे दे भाई, अंडा दे।